गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश फर्स्ट का जो आपका चैप्टर है, देखते हैं चैप्टर कौन सा आपका है। मैंने लास्ट टाइम द नेस्ट बिल्डर्स पढ़ाया था, इस बार मैं पढ़ाऊंगी ए लेटर टू गॉड। मतलब जो आपका चैप्टर है ए 19 जो चैप्टर है वो है ए लेटर टू गॉड, मतलब भगवान को पत्र। ठीक है, तो चलिए चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है। चलिए चैप्टर आपका स्टार्ट करते हैं ए लेटर टू गॉड, तो देखते हैं क्या है ए लेटर टू गॉड। जो आपका जो टॉपिक का नाम है ए लेटर टू गॉड, इससे ही हमें पता चल जा रहा है कि ए लेटर मतलब पत्र, टू गॉड मतलब भगवान को एक पत्र, भगवान के लिए एक पत्र लिखा गया है। हमें उसे टॉपिक के नेम से ही हमें पता चल गया कि इस टॉपिक में क्या होने वाला है। भगवान को एक पत्र लिखा है, किसने लिखा है, क्यों लिखा है, उन सब के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लैंचो वॉज अ पुअर फार्मर। लैंचो जो है एक गरीब किसान है। लैंचो जो था मतलब एक व्यक्ति है, उसका नाम लैंचो है। वो बहुत ही गरीब किसान था, बहुत गरीब किसान था वो। ही लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल इन अ वैली। वो एक घाटी के सबसे ऊपर वाले चोटी पर रहता था, मतलब उसका जो घर था वो हिल के टॉप पर था, मतलब एक घाटी है उसके हिल पे टॉप पे था उसका घर। लैंचो वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। लैंचो जो है बहुत ही मेहनती है, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। ही कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द हार्वेस्ट फॉर हिज लिविंग। वो अपना जो वो पूरी तरीके से अपने फसल पे, यहाँ पे हार्वेस्ट का मतलब होता है क्रॉप का मतलब फसल। वो अपना ना वो पूरी तरीके से अगर वो जिंदा भी था तो पूरी तरीके से अपनी क्रॉप के ऊपर था, मतलब अपनी फसलों के ऊपर वो पूरी तरीके से जिंदा था। ठीक है, वो मतलब वो उसका खेत चलता तो वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता था, अगर खेत नहीं चलता तो वो अपनी लाइफ उतने अच्छे से नहीं जी सकता है। देयर वर 5 मेम्बर्स इन हिज फैमिली। उसकी फैमिली में 5 लोग थे, लैंचो, हिज वाइफ एंड 3 सन्स। कौन कौन थे? लैंचो थे और उसकी वाइफ थी और उसके 3 बेटे थे। ठीक है, लैंचो के फैमिली मेंबर्स कितने थे? 5 थे। कौन कौन? लैंचो था, उसकी वाइफ थी और 3 उसके बेटे थे। ठीक है, ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड हार्वेस्ट दैट ईयर। उसने इस साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा फसल, अपना क्रॉप जो था बहुत ही अच्छा बनाया था, उगाया था। हिज फील्ड नीडेड अ लिटिल सावर। उसके जो खेत थी उसको छोटी सी मतलब थोड़ा सा पानी, जो शावर वाला पानी होता है, मतलब जैसे एक बारिश होती है जो बहुत तेज तेज बारिश होती है बहुत तेज तेज हैवी वाली बारिश होती है, और एक होती है जो जिसे हम कहते हैं बौछार, सावर को हम बौछार भी बोल सकते हैं, सावर को बौछार भी कह सकते हैं, मतलब हल्की बारिश। उसकी जो खेत थी उसको हल्की सी बारिश की ज़रूरत थी। ही वॉज वेटिंग ईगरली फॉर द रेन। वो इंतज़ार कर रहा था बारिश के होने का, इंतज़ार कर रहा था। द रेन डिड कम डाउन बट इट कैम विथ हेल स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कम्प्लीटली। जैसे वो उम्मीद कर रखा था कि बारिश होगी वैसे ही बारिश हुई, लेकिन जो बारिश थी बहुत ही ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। और स्टॉर्म का मतलब यहाँ पे होता है पत्थर, मतलब जैसे आप ओले, बारिश होती है तो ओले पड़ती हैं, तो ओले के साथ बारिश हुई, मतलब बहुत भयंकर वाली आंधी तूफान वाली बारिश हुई। और बारिश होते ही उसकी पूरी जितनी फसल थी सब बर्बाद हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लैंचो जो है वो पूरी उदासी से भर गया था कि उसका पूरा जो खेत है वो सब बर्बाद हो गया था, तो इसलिए पूरी उदासी से वो भर गया था। बट ही हैड फर्म फैथ इन गॉड। लेकिन जो था लैंचो था उसे भगवान पर भरोसा था। ही बिलीव डैट गॉड वुड नॉट लेट हिम स्टे। उसे इस बात का भरोसा था कि जो स्टेप का मतलब होता है टू डाई फ्रॉम हंगर, मतलब भूखा मरना। उसे इस बात का भरोसा था कि भगवान जो है उसे भूखा नहीं मरने देंगे। ही therefore decided to write a letter to God. तो उसने decide किया कि वो एक पत्र लिखेगा भगवान को। He wrote a letter to God telling him everything about the disaster. ठीक है, फिर उसने एक पत्र लिखा भगवान को और जो भी उसके साथ हुआ, जितना भी कुछ उसके साथ हुआ
उसके ऊपर उसने एक लेटर लिखा भगवान के लिए। वो उस लेटर में वो सब बताया जो भी उसके साथ हुआ। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos इन ऑर्डर टू शो हिज फिल अगेन एंड टू फिल द स्टमक ऑफ हिज फैमिली अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप कम। उसने उस पत्र में 100 pesos, मतलब पैसोज यहाँ पे करेंसी, जैसे हमारी इंडिया की करेंसी होती है रुपीज़ होती है, ऐसे ही ये बाहर अमेरिका की जैसे डॉलर होती है, ऐसे ये भी एक करेंसी है पैसोज, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे इस लाइन में ये कह रहा है कि जो लैंचो था उसने भगवान को पत्र लिखा और उस पत्र में उसने ये लिखा कि मुझे 100 pesos की नीड है, ज़रूरत है, मुझे 100 pesos भेज दो ताकि मैं अपने जो हमारी जो खेत बर्बाद हुई है उसे मैं फिर से उगा सकूं, ठीक है। तो आगे क्या बोलते हैं देखते हैं। द लैंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, इतना उसने लिखकर, जो लैंचो था उसने इतना अपने लेटर में लिख दिया, उसके बाद वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा। ही फिक्स्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड पुट इन द मेल बॉक्स। तो जो लैंचो था उसने क्या किया, उस वहाँ से एक स्टैम्प उठाया और अपने लेटर पे स्टैम्प करके मेल बॉक्स में डाल दिया लेटर। वन ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द मोस्ट सॉरी ऑफ द पोस्ट ऑफिस, अ पोस्टमैन गॉट द लेटर। जो पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय था उसे वो लेटर मिला। ही वॉज वेरी सरप्राइज टू सी द एड्रेस ऑन द एनवलप, एग्जाम्पल कॉर्ड। वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया, मतलब सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित, मतलब एकदम शॉक्ड हो गया कि ऐसा एड्रेस आज तक उसने कभी नहीं देखा। उस मतलब एड्रेस में क्या लिखा हुआ था, गॉड टू गॉड, भगवान को भेजना है, भगवान का प्रॉपर एड्रेस तो नहीं पता, तो उसमें टू गॉड लिखा था। वो एकदम शॉक्ड हो गया, चौंक गया कि ऐसा एड्रेस तो हमें किसी ने आज तक देखा नहीं है। He went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. फिर वो अपने बॉस के पास पहुँचा, मतलब जो एम्प्लॉय था वो अपने बॉस के पास पहुँचा, उनको वो लेटर दिखाया और जो उसका बॉस था वो बहुत तेते से हंसने लग गया। The postmaster, a fat man, also broke out laughing, but suddenly he turned serious. जो postmaster था वो बहुत ज़्यादा fat था, हाँ, और वो बहुत तेज़ से हंसने लग गया, लेकिन अचानक से वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। जो पोस्टमास्टर था बहुत तेज़ से हंस रहा था, बहुत मोटा भी था, लेकिन वो अचानक से सीरियस हो गया। ही एडमायर्ड द फैथ ऑफ द मैन एंड डिसाइड टू हेल्प हिम। उसने फिर सोचा, उसने विचार बना लिया कि अब वो उसकी मदद करेगा। उसने फिर विचार बनाया और फिर उसकी मदद करने के लिए उसने सोच लिया। ही आस्क्ड हिज एम्प्लॉयज टू कंट्रीब्यूट मनी टू सस्टेन फैथ ऑफ द मैन। फिर उसने अपने एम्प्लॉय से कहा कि जाइए और सबके पास कुछ कुछ मतलब कंट्रीब्यूट करके कुछ पैसे हम इकट्ठा करते हैं। मतलब वो सबके पास गया, अपने जितने एम्प्लॉयज थे उन सबके पास उसे उस एम्प्लॉय को भेजा, मतलब अपने एक एम्प्लॉय को सारे एम्प्लॉय के पास भेजा और कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा सभी से। ही आस्क्ड हिज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट मनी टू सस्टेन फेथ ऑफ द मैन। उस मैन के भरोसे की वजह से, मतलब उस लैंचो जो है उससे कितना भरोसा है भगवान को, ये देखकर उसने एक अपने जितने एम्प्लॉयज थे उन सभी से कंट्रीब्यूट करने को कहा। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया था, बट दे वर एबल टू कलेक्ट ओनली 70 pesos इंस्टेड ऑफ 100 pesos। लेकिन जो था वो जो पोस्टमास्टर था वो 100 pesos में से सिर्फ 70 pesos ही वो इकट्ठा कर पाया, कलेक्ट कर पाया, इससे ज़्यादा वो नहीं कर पाया। द पोस्टमास्टर पुट द मनी इन एन एनवलप एंड एड्रेस इट टू लैंचो। तो जो पोस्टमास्टर था फिर उसने उस एनवलप में पैसे डालकर और उस पर एड्रेस में टू लैंचो लिख दिया। ही ऑल्सो पुट अ लेटर इन टू द एनवलप। फिर उसने वो जो लेटर था, मतलब पैसे उसमें डाल दिया था और एनवलप जो उसका लेटर उसने लिखा था वो भी उसके अंदर डाल दिया। बट दिस लेटर हैड ओनली वन सिंगल वर्ड रिटन ऑन इट, द वर्ड वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ सिग्नेचर गॉड। लेकिन उस लेटर में सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा था, वो क्या वर्ड था, वो वर्ड ये था,
गॉड के नाम से उसने सिग्नेचर किया हुआ था, मतलब उस में और कुछ नहीं लिखा था, उस लेटर में कुछ नहीं लिखा था, एक सिंगल वर्ड लिखा था, क्या लिखा था, गॉड के नाम से सिग्नेचर हुआ था बस। लेंचो हैड अ फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो जो था उसको भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, ही वॉज श्योर डेट द गॉड वुड हेल्प हिम डेफिनेटली, उसे इस बात का पूरा भरोसा था कि भगवान जो है उसकी पूरी तरीके से मदद जरूर करेंगे। डियर फॉर द नेक्स्ट संडे, फिर अगले ही संडे ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस टू आस्क हिम इफ देयर वॉज एनी लेटर फॉर हिम। अगले ही संडे जो लेंचो था वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा और वहां पे उनसे कहा कि मेरे लिए कुछ लेटर आया है या नहीं आया है। द पोस्ट मास्टर टुक आउट अ लेटर एंड हैंडेड इट ओवर टू लेंचो, तो जो पोस्ट मास्टर था उसने वो लेटर अब खुद ही मतलब खुद से ही उस लेटर को लेंचो को दे दिया। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप, लेंचो जो था वो पैसा देखकर कुछ चौका नहीं था क्योंकि उसे भरोसा था ना कि भगवान पैसे भेजेंगे, तो इसलिए वो चौका नहीं था। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। ही वॉज द रेदर एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे काउंट करना शुरू किया वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। ही गॉट ओनली 70 पैसोज इन द एनवलप, वो उसे सिर्फ उसके अंदर 70 पैसोज ही मिले थे, एनवलप के अंदर सिर्फ 70 पैसोज ही मिले थे। लेंचो वॉज श्योर डेट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, लेंचो जो था वो श्योर था कि भगवान जो है वो कभी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। हैंस ही रोट अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी, फिर उसने दोबारा से लेटर लिखा भगवान के लिए कि भगवान जो आपने पैसे उसमें ये लिखा था जो पैसे बचे हैं वो भी मेरे को जल्दी से सेंड कर दीजिए। ही ऑल्सो रोड टू गॉड, उसने ये भी भगवान से लिखा डोंट सेंड द मनी बाय द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट मैन, मतलब बेईमान हैं, ठीक है, धोखेबाज है। उसने ये भी लिखा था उस लेटर में कि भगवान जी आप जो पैसे भेजेंगे वो मेल के ज़रिए मत भेजिएगा क्योंकि यहाँ जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो धोखेबाज हैं, उन्होंने हमारा पैसा चोरी कर लिया, मतलब आपने 100 पैसोज भेजे होंगे, मुझे पता है मुझे 70 पैसोज मिले हैं, 30 पैसोज इन्होंने अपने पास रख लिया, जबकि पैसा किसने भेजा था, एम्प्लॉय ने। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ पर कम्प्लीट होता है। एक बार और इसे रिव्यू कर लेते हैं। लेंचो एक गरीब किसान है, उसकी फैमिली में 5 लोग हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग था, वो अब पूरी तरीके से फसलों पे अपने क्रॉप पे डिपेंड था और इस साल उसकी फसल जो थी उसकी जो खेती थी बहुत अच्छी हुई थी, बस उसकी खेती को कुछ पानी की ज़रूरत थी, वो पानी बरसात का वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था हल्की बारिश का, लेकिन जो बारिश थी बहुत तेज़ आई थी और पत्थरों आंधी तूफान के साथ साथ पत्थर भी गिर रहे थे, ओले जिसे कहते हैं ओले भी गिरे थे और जो लेंचो की पूरी फसल थी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। लेंचो जो था बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, लेकिन फिर भी उसे भगवान पे भरोसा था कि भगवान उसे भूखा नहीं मरने देंगे, ना उसे ना उसके बच्चों को। ठीक है, तो उसने भगवान सोचा कि भगवान को लेटर लिखेंगे। लेटर में उसने जो भी उसके साथ हुआ वो सब कुछ उसने उस लेटर में लिख दिया और उसमें ये भी लिखा कि 100 पैसों की उसे नीड है, आप 100 पैसों की उसे नीड है, आप उसे और भेज दीजिएगा, मतलब 100 पैसों भेज दीजिए ताकि वो दोबारा से अपनी फसल खड़ा कर सके। ठीक है, फिर इतना लिखकर वो पोस्ट ऑफिस पहुंचकर अपने लेटर पे स्टैंप लगाकर मेल बॉक्स में डाल देता है। पोस्ट ऑफिस का जो एक एम्प्लॉय होता है वो उसे लेटर मिलता है, वो एक पोस्टमैन को डाकिये को लेटर मिलता है, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि ऐसा एड्रेस आज तक कभी मिला है, ऐसा तो एड्रेस हमने आज तक कभी सुना नहीं है। तो वो ले जाता है अपने बॉस के पास, उसको दिखाता है, उसके बॉस बहुत ज़्यादा हंसते हैं उस लेटर को पढ़ने के बाद, बहुत हंसते हैं, फिर एकदम अचानक से सीरियस हो जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद सीरियस हो जाते हैं वो, फिर डिसाइड कर लेते हैं कि वो लेंचो की हेल्प करेंगे। वो अपने सारे एम्प्लॉय से कहते हैं कि आप सभी कुछ कुछ मतलब थोड़े बहुत पैसे कंट्रीब्यूट करिए उस आदमी के लिए जिसे विश्वास है भगवान पे इतना, हाँ, और वो खुद भी अपनी सैलरी का थोड़ा सा पार्ट उसकी उसमें डाल देता है। लेकिन जो
जो उस पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर था उससे ज़्यादा 100 पैसे तो नहीं इकट्ठा हो पाए पूरे, लेकिन उससे 70 पैसे हो गए थे, तो उसने 70 पैसे इकट्ठा कर दिए थे। और 70 पैसे इकट्ठा करने के बाद उसने एनवलप में डाल का और एक लेटर और डाला था साथ में, उस पर सिर्फ सिंगल वर्ड लिखा था क्या, गॉड, गॉड के नाम से सिग्नेचर था बस और कुछ नहीं था, और वो भी इसके अंदर डाल दिया। फिर अगले ही नेक्स्ट संडे को जो लंच होता वो इस वहाँ पे लंच को भरोसा था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे, इसलिए वो नेक्स्ट संडे को अपना लेटर लेने गया। जैसे वो लेटर लेने गया वहाँ पे उनसे बोलता है कि मेरे नाम से कोई लेटर है या नहीं है पूछता है, तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो उसे लेटर पकड़ाता है। लेटर पकड़ाने के बाद जैसे वो लेटर पकड़ा देते हैं जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो लेटर पकड़ा देते हैं, लंचो जो होता है वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता, मतलब चौंकता नहीं है कि हाँ उसको पैसे मिले हैं, उस चीज़ को लेकर वो चौंकता नहीं है क्योंकि उसे भरोसा होता है भगवान देंगे पैसा। तो लेकिन जैसे ही वो पैसे काउंट करने लगता है, पैसों उसको जैसे काउंट करने लगता है वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें 70 पैसों ही थे और उसने कितना मांगा था 100 पैसों और उसमें 70 पैसों थे। तो दोबारा लेटर लिखता है भगवान को कि भगवान उसे इतना कंफर्म था कि भगवान से कोई गलती हो नहीं सकती, भगवान नहीं गलती करेंगे, उनसे 100 पैसों मांगा तो वो 100 पैसों ही भेजेंगे। तो लेटर फिर से भगवान के लिए लेटर लिखता है और उसमें कहता है कि भगवान जो बाकी बचे पैसे हैं 30 आपने 100 पैसों दिए थे जिसमें 70 पैसों मुझे मिले हैं, 30 पैसों नहीं मिले उसे भी मेरे पास जल्दी भेज दीजिए, लेकिन मेल करके मत भेजिए क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्रुक हैं, बेईमान हैं, धोखेबाज हैं, इसलिए आप मेल के ज़रिए मत भेजिएगा। बस यहाँ पे आपकी स्टोरी कंप्लीट होती है। होपफुली आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो, यही स्टोरी आपकी 10th क्लास का जो बुक है फुटप्रिंट उसका भी फर्स्ट चैप्टर है और ये आपको आगे भी आगे इसे डीपली में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अभी से इसे पढ़ के चलिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, क्लास आज की क्लास यहाँ ओवर करते हैं हम, इसका जो वर्क होता है वो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगी, ठीक है। होपफुली आपको स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो, मुझे बहुत अच्छी लगी थी स्टोरी, होपफुली आपको भी अच्छी लगी हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच क्लास, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।